तो अगर आप भी 2024 में अपने लिए एक प्रोफेशनली YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो भाई आज का ये सिंगल वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो पे आप लोग को हमारे विक्रम भाई जो है आप लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि आप लोग को जो है कैसे प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बनाना है। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो ऑलरेडी दो सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है भाई, उस पे मैं तो कैमरा के सामने काम करता था लेकिन उन चैनल्स को भाई विक्रम भाई ने ही बनाया था। तो ये आप लोग को अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल बनाने टाइम गाइस कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट सेटिंग का जो है ध्यान रखना पड़ता है, जो कि काफी सारे लोग पूछते भी हैं कि यूट्यूब चैनल बनाने टाइम जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेटिंग करना पड़ता है जिस वजह से जो है हम लोग का YouTube चैनल ग्रो होता है, वीडियो वायरल होता है। वो सारा सेटिंग के बारे में भी आप लोग को आज के इस वीडियो पे सारा कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बता दूं कि ये जो वीडियो है गाइस ये थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो चलिए गाइस हम लोग टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चैनल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए अब हम लोग अपना जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं। भाई यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप तो लैपटॉप पे बना रहे हो, लेकिन मेरे पास क्या है ना कि मेरे पास स्मार्टफोन है, तो क्या मेरा स्मार्टफोन से बन जाएगा? बिल्कुल भाई, फोन से आराम से बन जाएगा। बस होगा क्या भाई कि हम ये सारा प्रोसेस लैपटॉप पे कर रहे हैं, आप अपने फोन पे कर सकते हो। सारा प्रोसेस टाइमर आने वाला है, बस आपको अपने फोन में क्रोम को खोल लेना है और उसको डेस्कटॉप मोड में सेव कर लेना है। क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड ऑन कर देना। हाँ। और सारा प्रोसेस मेरा फोन से भी सारा कुछ सेम यही इसी तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब सबसे पहले क्रोम में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई हम लोग को एक नया क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और फॉर माई पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले भाई आपको नाम डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो नाम डालेंगे क्या यही नाम से मेरा चैनल भी बनेगा, या चैनल जब बनाएंगे वहाँ पे हम अलग नाम डाल सकते हैं? देखो भाई यहाँ पे आपका सबसे पहले जीमेल क्रिएट हो रहा है। जीमेल में आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी जीमेल आईडी बना सकते हो। चैनल जब बनाओगे भाई तो वहाँ पे आपका जो चैनल का नाम मांगा जाएगा वहाँ पे आप अपना चैनल दे सकते हो। तो मतलब यहाँ पे कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, चैनल का नाम मेरा इस नाम से सेव नहीं होगा। हाँ, चैनल का हम दूसरा नाम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहले एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम डाल के सिंपली फिर नेक्स्ट कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो भाई मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दिया है। पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप चैनल के लिए अपना जीमेल बना रहे हो तो यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ 18 ईयर प्लस रखना है। ऐसा इसलिए रखना है भाई क्योंकि जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट को आप अपने यूट्यूब चैनल से लिंक करोगे और वहाँ पे आपका एज अगर 18 से कम रहा तो वहाँ पे दिक्कत खड़ा कर सकता है। इसलिए भाई जब भी बनाओ 18 प्लस आपका एज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आपको अपना एक यूजर आईडी रख लेना है, जो भी आपको अपना जीमेल बनाना है उसके लिए। तो हम लोग सिंपली अपने हिसाब से रख लेते हैं, सिंपली फिर नेक्स्ट कर देना है भाई। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड हमेशा हार्ड रखना है जो कि लोगों के माइंड में ना आए, ताकि आपका चैनल सेफ एंड सिक्योर रहे, जल्दी हैकिंग ना हो सके। ठीक है, समझ गया। सिंपली फिर आपको भाई नेक्स्ट कर देना है। तो भाई अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो फिर भाई आपके फ़ोन में एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी ने यहाँ पे डालना है 787321। ओटीपी डालने के बाद भाई आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो भाई अब आपको यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस कब मांगा जाएगा, इसका यहाँ पे रूल ये होता है कि अगर आपका रिकवरी करना हो तो यहाँ पे आपको कोई भी जीमेल दे देना है। ठीक है, जीमेल यानी दूसरा होना चाहिए। हाँ, दूसरा होना चाहिए भाई। ठीक है, सिंपली फिर नेक्स्ट कर देना है और फिर नेक्स्ट, नीचे आई एग्री और ये आपका जीमेल आईडी बनकर रेडी हो जाता है भाई। तो यहाँ से आपका जीमेल बनने वाला काम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। अब भाई यहाँ से चैनल बनने का प्रोसेस पूरा चालू होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कोने पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए चैनल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखो भाई यहाँ पे आपका जो है नाम आएगा, यहाँ पे आप जो नाम डालोगे वही आपका चैनल का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली चैनल का हम लोग नाम डाल देते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल देना भाई और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद भाई कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, आपका चैनल बन के कम्प्लीट हो चुका है, देख सकते हो भाई 0 सब्सक्राइबर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ जो सवाल रहता है भाई कि एक नया चैनल बनने के बाद क्या क्या सेटिंग करना है, क्या क्या करना है,
ठीक है, वे सारा अब हम यहाँ से बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपको तो अपना लोगो डाल देना है, ठीक है, कस्टमाइजेशन में जाके। यहाँ पे जाने के बाद भाई आपको यहाँ पे ब्रांडिंग में जाना है, और यहाँ पे देखिए भाई अपलोड ऑप्शन का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना, और आपके डेस्कटॉप में जहाँ से भी है वहाँ से आप अपना लोगो ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई लोगो डालने के बाद अब आपको एक बैनर डालने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो बैनर भी आप पहले ही तैयार करके रखेंगे, डन कर देना है, और सिंपली जाके यहाँ पे पब्लिक का क्लिक कर देना है। अब भाई आपके चैनल पे बैनर और लोगो जो है वे दोनों लग चुका है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे बैनर आ चुका है, लोगो नहीं आया, थोड़ा देर बाद वे अपडेट ले लेगा, ठीक है। अब एडवांस फीचर की ओर बढ़ते हैं, लोगो आपका हो गया, बैनर हो गया, ठीक है। अब सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई चैनल तो क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग बात करते हैं यूट्यूब चैनल का जो मेन सेटिंग होता है, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रहता है भाई आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आपको अपने चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी में जो है अपना तैयार कर लेना, भाई मैंने तैयार करके रखा है, ठीक है। और यही चीज़ को हम लोग सिंपली उस अबाउट सेक्शन में भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वे कहाँ से कर सकते हो भाई, कस्टमाइजेशन में जाना है आपको, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना है, और ये देखो भाई यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है इस पर आपको पूरा अपना अबाउट सेक्शन डालना है, तो हम फटाफट डाल लेते हैं। फाइनली मैंने अपना अबाउट सेक्शन लिख लिया है भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अच्छे से सजा के इसको भर दिया है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस जो भी है चैनल के मैटर में, वे आपको अपना चैनल के बारे में लिखना है, साथ ही साथ आपके इस चैनल पे क्या देखने को मिलेगा ये भी आपको लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है भाई कि इसमें हमारे चैनल पे यूट्यूब से जुड़ी टिप, न्यूज़ अपडेट, ग्रो यूट्यूब चैनल वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको अपने हिसाब से लिख देना है भाई। इसके बाद भाई नीचे आपको यहाँ पे लिंक देने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दोगे भाई, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम का हम लिंक दे देते हैं। सिंपली आपका जो लिंक होगा उसको उठा के यहाँ पे लेते आना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सारा हो जाने के बाद भाई यहाँ पे आपको सीधा पब्लिक पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि कैसा दिखेगा, तो देखो भाई मेरा अबाउट सेक्शन, तो देख सकते हो भाई यहाँ पे हम लोग का पूरा अबाउट सेक्शन प्रोफेशनली भर गया है। ऐसा ही आपको भी करना है, यहाँ पे आपका लिंक भी दिया गया है इंस्टाग्राम का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया भाई। अब यहाँ पे सेटिंग की ओर हम लोग ध्यान देते हैं, जो जो मेन सेटिंग है। तो भाई हम लोग का बैनर हो गया, लोगो हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, पूरा क्लियर कट हो गया। अब हम लोग का जो भाई यूट्यूब का कुछ कुछ सेटिंग होता है, जिनमें आपको अपना चैनल से रिलेटेड जानकारी देना होता है, उस चीज़ का हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भाई, यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको। और यहाँ पे आपका ये करेंसी ही है, इसको आप चाहो तो डॉलर में रख सकते हो, या फिर आप इंडियन रुपीज़ में भी कर सकते हो, जो कि आपका जो भी रहेगा वे आपको इंडियन रुपीज़ में दिखाएगा जब चैनल आपका मोनेटाइज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चैनल में जाके भाई कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री में आप अपना इंडिया ले लोगे। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को ऑप्शन मिल जाएगा चैनल कीवर्ड का। ये चैनल कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई, क्योंकि चैनल कीवर्ड में आपको अपना चैनल का नाम डालना है, जो कि आपका चैनल को सर्चिंग में लाएगा, ठीक है भाई। तो आपका जो चैनल का नाम है वो डाल देना है, जैसे रोहित और विक्रम, ठीक है। बहुत को भाई विक्रम और रोहित भी सर्च कर सकता है, तो इसलिए हम लोग वे भी डाल देंगे, विक्रम और रोहित, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए फिलहाल भाई हम अभी दो ही डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो नाम है आप उसको डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आप अपना चैनल से रिलेटेड भी लगा सकते हो, जैसे टैग चैनल हो गया तो टैग वर्ड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद सिंपली आपको एक एडवांस फीचर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फीचर्स अनेबल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, इसको आपको अनेबल जरूर करके रख लेना है। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देके वेरीफाई कर लेना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर एक 6 डिजिट का OTP आएगा, सिंपली आपको वे फिल कर देना है। तो वहाँ पे सेव करने के बाद भाई आपका वे फीचर्स अनेबल हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फीचर्स में गए, देख सकते हैं वे फीचर्स अनेबल हो गया है। इसके बाद भाई एक और फीचर्स रहता है यहाँ पे अनेबल करने के लिए, जो कि है आपका एडवांस फीचर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्योंकि इसमें आपको एक वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है। तो यह इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा भाई, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ।
ठीक है। इसके अलावा भाई एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग करना पड़ता है, जो कि रहता है भाई आपका चैनल किस कैटेगरी पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कैटेगरी देखने को मिल जाता है, जैसे ऑटो एंड व्हीकल हो गया, एजुकेशन हो गया, कॉमेडी हो गया। तो जिस भी कैटेगरी में आपका चैनल हो, जो भी कैटेगरी का आप चैनल बनाए, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम लोग का टेक्नोलॉजी और टेक से रिलेटेड है, तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्लिक कर लेते हैं और उनको हम लोग सेव कर लेंगे। तो ये फाइनली हम लोग का हो गया गाइज। तो ये टोटल ओवरऑल यूट्यूब का सेटिंग रहता है। तो गाइज ये सारे इम्पोर्टेंट सेटिंग थे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है। एक प्रोफेशनली चैनल को कैसे बनाया जाता है, कैसे चार सेटिंग किया जाता है, मैंने सारा बता दिया है। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ। देखिए गाइज, हम लोग रात के 11 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है गाइज।